काफी फ्रेंडली है यार। वो लोग कैसे खाना खाते हैं आप लोगों को तो मैंने बता दिया, बट काफी फ्रेंडली है। थोड़ा सा आपको इंडियन हर एक चीज मिल जाएगी, आपको कोई चीज इंडिया से लाने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज छोड़ के। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल ग्लोबल आरडी। ग्लोबल आरडी चैनल में आपका सबका स्वागत है यार। आज मैं आप लोगों के सामने केनिया के देश के बारे में एक ओवरऑल रिव्यू और या फिर आप ओवरव्यू बोलिए, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा वेदर केनिया इज रियली वर्थ ऑफ लिविंग और ट्रैवलिंग। आज का ये जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करके पूरा वीडियो देखते रहिएगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी केनिया के बारे में। अगर आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या आप केनिया विजिट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग दिलचस्प होने वाली है। करीब करीब आज 6 साल हो गया मैं उस कंट्री में कई बार जा चुका हूँ और बीच में करीब करीब 3 साल रह चुका हूँ। 2016 से लेके 2019 तक मैं नैरोबी में रहता था। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केनिया में वीजा कैसे मिलती है। केनिया में वीजा जो है ना बहुत आसान तरीके से मिल जाती है। अगर आप ट्रैवल वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज का अगर सिटीजन हो, तो आपको 90 दिन तक वीजा एंट्री परमिट मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना है, $50 पे करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वर्किंग डे में आपको वीजा मिल जाएगी। केनिया में आपको बहुत सारे फॉरेक्स एक्सचेंज मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पे अपना जो डॉलर्स है या फिर फॉरेन करेंसी है वो आपको एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। केनिया में एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो आप वो डेबिट कार्ड केनिया में किसी भी बैंक में जहाँ पे मास्टर कार्ड या वीसा चलती है या फिर मास्टर चलती है, वहाँ पे आप आराम से किसी भी ATM से विड्रॉल कर सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखें, वहाँ पे कोई रुपए नहीं चलने वाला। केनिया की इकोनॉमी 2 चीज के ऊपर खड़ा है, एक तो टूरिज्म है, टूरिज्म जो GDP का है करीब करीब 30-35% आता है, और दूसरी चीज है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कट फ्लावर्स एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज में, जो करीब करीब और 20-25% GDP में कंट्रीब्यूट करता है। अब टूरिज्म के बारे में बात करते हैं। केनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको समुंदर, जंगल और पहाड़ तीनों चीज मिल जाती है। मुंबासा से अगर शुरू करते हो तो वहाँ पे आपको न्याली बीच मिल जाएगी, आपको डियानी बीच मिल जाएगी जो बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप अगर गेम ड्राइव करना चाहते हो तो आप लोगों को तो पता ही है मसाई मारा वर्ल्ड फेमस कितना है, और मसाई मारा में गेम ड्राइव कर सकते हो। आप चाहो तो एम्ब्रोसोली नेशनल पार्क जा सकते हो। अगर आप हाइकिंग के शौकीन हो तो माउंट केनिया करके अफ्रीका में 2nd highest पीक है, वहाँ पे भी आप चाहो तो ट्रैकिंग कर सकते हो। केनिया में बहुत सारे लेक्स हैं, उस लेक्स में बहुत सारे हिप्पोस आपको मिल जाएगा, जैसे नाइवासा लेक है। मैं नाइवासा लेक में 2018 में गया था और वहाँ के लोग कहते हैं वहाँ पे करीब करीब 500 से ज़्यादा हिप्पो पानी के अंदर है, और जिस दिन हम लोग विजिट किए थे उसके करीब 3 या 4 महीना बाद एक कोरियन टूरिस्ट नाव में से नीचे गिर गया था और वो बेचारा हिप्पो के चुंगल में आ गया, बेचारा मारा गया। तो जब भी आप केनिया ट्रैवल करो तो हमेशा ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में बना के रखना। सिटी बोलो या कंट्री बोलो, नैरोबी एज ए सिटी काफ़ी सेफ है, बट फिर भी कभी कभार अल शबाब का एक नेगेटिव इफेक्ट रहता है। हर 3 या 5 साल में, पिछले 20 साल का अगर हिस्ट्री हम देखें, हर 3 से 5 साल में एक आध बार टेररिस्ट अटैक हो ही जाते हैं। करीब करीब 2017 के अक्टूबर के आसपास या फिर 2018 के जनवरी फरवरी के आसपास, मुझे ध्यान नहीं है ठीक से, बट उसी समय एंड ऑफ 2017 एंड अर्ली 2018 देयर वाज अ लास्ट टेररिस्ट अटैक हैपेंड बाय द अल शबाब। करीब करीब 14 से 15 लोग ऑफिशियली जो नंबर है वो मारे गए, उनमें से काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी थे। केनिया में जो रहन सहन है काफ़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज। नैरोबी जो है, नैरोबी ना करीब 2-3 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो है जो एकदम फॉरेनर्स के लिए बना हुआ है, जहाँ पे एक एक अपार्टमेंट 2 बेडरूम फर्निश्ड अपार्टमेंट करीब करीब 1800 लेके $2000 तक है, और कुछ जगह पे आपको $850 से लेके $1200
इस रेंज में आपको 2 बेडरूम फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल जाएगी। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, केनियन जब भी आपसे हाउस रेंट के ऊपर बात करेंगे तो आपको प्रेशराइज करेंगे कि आपको 1 साल का या तो फिर कम से कम 6 महीना का एडवांस देना पड़ेगा। तो अगर आपका जेब अगर परमिट करता है तो आप बिल्कुल दीजिए। मैं तो भाई साहब कभी दिया नहीं हूँ, मैं सिर्फ 1 महीना का एडवांस दिया था और 1 महीना का डिपॉजिट मैंने दिया था। तो हर महीने मैं एडवांस देता था और 1 महीने का डिपॉजिट था जो मैंने लास्ट मंथ में उसको स्क्वायर अप कर दिया था। तो केनिया टूरिज्म के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बता दी, अब बताते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं। केनियन बहुत फ्रेंडली लोग हैं और केनियन लोग ना इंडियन जो खाना है ना दोनों हाथ से खाते हैं, इतना मज़ा आता है। आप देखोगे नायरोबी में केनियन वाले जब खाना खाते हैं तो चम्मच और चाकू इस्तेमाल करते हैं, मतलब नाइफ एंड फोर्क इस्तेमाल करते हैं और खाना खाते हैं। बट जब इंडियन खाना खाने की बात आती है ना दोनों को कहते हैं गया तू तेल लेने, दोनों हाथ लगाते हैं और दोनों हाथ से चिकन मटन को ऐसे तोड़ तोड़ के खाते हैं और काफ़ी दिलचस्प के साथ ये लोग खाते हैं इंडियन खाना। इंडियन खाना ये लोग बहुत पसंद करते हैं और उसमें अगर थोड़ी सी अगर तीखी भी हो ना उन लोगों को और अच्छा लगता है। वही चीज़ मैंने देखा टंजानिया में, टंजानिया वाले इंडियन खाना पसंद तो करते हैं बट खाना नहीं चाहते। क्यों? वो कहते हैं यार बहुत तीखा होता है, बहुत मसाला होता है, बहुत तेल होता है। और वही और एक कंट्री में लोग भाग दोनों हाथ से इंडियन खाना खाते हैं। नायरोबी में बोलिए या फिर केनिया में आपको हर एक किस्म के रेस्टोरेंट मिल जाएगा। जो रेस्टोरेंट आप इंडियन रेस्टोरेंट बोलो, लेबनीज बोलो, चाइनीज बोलो, टर्किश बोलो, फ्रेंच बोलो, इटालियन बोलो, सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा और आपको ये सब देशों का प्योर क्विजिन लाइक इंडियन फूड आपको मिल जाएगा। तो आप अगर खाने के शौकीन हो आप बेशक कोशिश कर सकते हो इन सब रेस्टोरेंट में। केनिया का जो वेदर है ना जबरदस्त है, मैंने ऐसा वेदर जिंदगी में कहीं नहीं देखी। मैं तो इन लोगों को तो कहता हूँ आई एम जेलस टू यू, यू आर हैविंग अ गॉड गिफ्टेड ट्रिप। वो इसीलिए नायरोबी जो है, नायरोबी करीब करीब, नायरोबी एक प्लेटू के ऊपर है, नायरोबी करीब करीब 1700 मीटर यू मान लो करीब करीब 6000 फीट के आसपास, 6500 फीट के आसपास ऊपर में है। तो नेचुरली इतनी ऊंचाई पे कोई अगर शहर होगा उसका टेम्परेचर जो है वो प्लेजेंट रहेगा। साल भर इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा से ज्यादा 23 या 24, बहुत गर्मी पड़ गई तो 26, और सर्दी के समय 10 या 11 के आसपास रहता है। अदरवाइज सबसे कम 14 डिग्री और सबसे ज्यादा जो है वो 24 या 25 डिग्री के आसपास रहता है। तो केनिया का जो वेदर है मैं तो यार बहुत पसंद करता था। आई मीन व्होएवर कम्स फ्रॉम अ वेरी ट्रॉपिकल कंट्री यू गाइस विल रियली एंजॉय, आई रियली एंजॉयड स्टेइंग एंड लिविंग इन केनिया। केनिया के बारे में और क्या बताएं, लोग कैसे हैं यार, केनियन काफ़ी फ्रेंडली है यार, वो लोग कैसे खाना खाते हैं आप लोगों को तो मैंने बता दिया, बट काफ़ी फ्रेंडली है, थोड़ा सा एग्रेसिव भी है मैं बताऊंगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक टंजानिया, रुवांडा, युगांडा, बट दिल से काफ़ी साफ है और वो लोग फॉरेनर्स को आई मीन वार्म हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि केनिया में काम करें तो आपको वर्क परमिट पाने में कोई दिक्कत होनी नहीं है, बस आपका जो वर्क परमिट का जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ इन ऑर्डर में होनी चाहिए, आपको आसानी से विदिन 4 to 6 weeks वर्क परमिट मिल जाएगी। केनिया का जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है नायरोबी में स्पेशली जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो बताऊँ आपको, आपको हर 200 या 500 मीटर में आपको कोई पब या फिर डिस्को आपको मिल जाएगा। तो आप चाहो तो शाम के वक्त जा सकते हो, बियर लेके आप आनंद उठा सकते हो। हर 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आपको कैसीनो मिल जाएगी। इंडियन शॉपिंग सेंटर इन कंपाला के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने कैसीनो के बारे में जिक्र करी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रखा हूँ, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते। तो आपको मैंने नाइट लाइफ बता दिया, आपको मैंने डिस्को बता दिया, आपको मैंने कैसीनो बता दिया, आपको मैंने रेस्टोरेंट बता दिया, और क्या चाहिए यार। अब रही बात सामान का जो प्राइसेस है वो कैसा है, मैं तो यार तंजानिया में रह चुका हूँ, मैं अभी युगांडा में रह रहा हूँ और नायरोबी में रह चुका हूँ। मेरा तजुर्बा ये कहता है नायरोबी इज क्वाइट एक्सपेंसिव सिटी, आई मीन इट्स नॉट अ चीप सिटी। नायरोबी में कोई भी चीज़ आप एक कॉफ़ी भी अगर आप पीते हो, जो कैपुचिनो कॉफ़ी हम कहते हैं, अभी मैंने एक कैपुचिनो कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, वो करीब करीब $5 to $6 के आसपास आता है, यू मान लो 350-400 रुपये के आसपास आएगा। आप अगर कोई भी इंडियन क्विजिन लाइक इडली डोसा सांभर टाइप की चीज़ आप लेना चाहते हो तो करीब करीब 600 से लेकर 800 शिलिंग
मतलब यूं हो गया करीब 400 रुपये से लेके 550 रुपये के आसपास एक एक धोसा आ सकता है। नैरोबी में अगर आप रहने के लिए अगर आप जगह ढूंढ रहे हैं तो डायमंड प्लाजा जो है वो इंडियन लोगों के लिए बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। उसी के आजू बाजू जो पार्कलैंड वेस्टलैंड है वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा 80-85% इंडियंस रहते हैं। आपको इंडियन हर एक चीज़ मिल जाएगी, आपको कोई चीज़ इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ छोड़ के, जो पंजाबी बड़ी होती है ना, या फिर जो बंगाली लोग जो बड़ी खाते हैं, जो तरह तरह के दाल से वो जो बड़ी बनती है जिसको सुखा के फिर सब्जी में डाल के खाया जाता है, वो चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी। वही चीज़ सिर्फ आपको इंडिया से लाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई भी चीज़ इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नैरोबी थोड़ा सा सेफ भी बताऊंगा और थोड़ा अनसेफ भी बताऊंगा। स्पेशली रात के वक्त तो बिल्कुल आप जिक्र ना करें कि पैदल चले, और जब भी आप चले मतलब मोबाइल को जो है वो ध्यान से रखें। गाड़ी जब चलाते हैं, गाड़ी चलाने के बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। नैरोबी में जैसे कि मैंने बताया कि नैरोबी जो है ना वो न्यूयॉर्क स्टाइल के बराबर है, न्यूयॉर्क की जो लाइफस्टाइल है उसी के बराबर है। नैरोबी में आपको 50-60% जो गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी दिखेगी, और जितनी भी बड़ी गाड़ी होती है ना सारे के सारे ट्रैफिक रूल्स वायलेट करते हैं। मैं तो मजाक से ये चीज़ कहता था, बिगर द कार बिगर द वायलेशन। मुझे एक चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग लगा नैरोबी में, गाड़ी कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी बंदा एसी चला के शीशा को चढ़ा के गाड़ी नहीं चलाते। मुझे समझ में नहीं आता, एक एक करोड़ या दो करोड़ की गाड़ी है भाई, शीशा चढ़ा के एसी चला के क्यों नहीं चलाते। पर जब भी आप चलाओ सेफ्टी के हिसाब से आप शीशा चढ़ा देना, एसी चला के गाड़ी चलाना, शीशा को नीचे करके मोबाइल को डैशबोर्ड में रख के या वॉलेट को डैशबोर्ड में रख के कतई आप गाड़ी मत चलाना, कभी भी वो स्नैचिंग हो सकता है। कुछ कुछ जगह जो है थोड़ा सा डेंजरस है, अदरवाइज ओवरऑल नैरोबी थोड़ा सा जनरल प्रिकॉशन आप अगर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं वहाँ पे जैसे कि बताया था करीब करीब 3 साल था, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। मैं बीच रात को भी गाड़ी चलाया था, कभी कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो जो है आप लोगों को काफ़ी दिलचस्प लगा, काफ़ी इंफॉर्मेशन लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो करना क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अच्छा रहेगा दोस्तों, बाय बाय।